करीब 16,000 पैकेट्स अनाज के तकसीम कर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता पहुंचा रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि कोई भी भूखा ना रहे इन हालात में, और जहाँ तक भी मुमकिन हो सकता है हम हमारे कारकुनों के ज़रिए, कॉरपोरेटर्स के ज़रिए और सीनियर जमात के रुखा के साथ मिलकर हम ऐसे मुसीबत के वक्त में परेशान हाल लोगों तक अपनी इमदाद को पहुँचाने की हमारी ज़ात से जितनी मुमकिन कोशिश है वो कर रहे हैं। और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमने 1,25,00,000 रुपये के सरफे से ये अनाज का इंतज़ाम किया और इसमें काफ़ी अनाज के पैकेट हमने बनाए, और 25,000 जैसा कि ऐलान हुआ था पहले 25,000 पैकेट बनाए गए थे, लेकिन काफ़ी जगहों से मुतालबात आ रही थी जिसकी वजह से हमने फिर इसमें और इजाफ़ा किया, करीब और 30,00,000 रुपये का इजाफा किया और 1,60,00,000 के करीब तक अब तक हमने सर्व किया है, और 25,000 पैकेट जो पहले थे हमारे उसमें और 5,000 पैकेट्स का इजाफा हुआ, तो इस तरीके से 30,000 पैकेट्स बनाए गए हैं और तकसीम किए जा रहे हैं। और आज भी हम सदर मोहतरम की हिदायत पर असदुद्दीन ओवैसी साहब और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज हलके असम्बली याकूतपुरे में 1,000 बैग्स अनाज के हम दे रहे हैं, और फिर नफर मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने हमको हिदायत दी कि याकूतपुरा हलके में भी के साथ साथ कारवान के हलके में भी अनाज के पैकेट्स को दिया जाए, तो वहाँ पर भी हम 1,000 पैकेट्स अनाज के भेज रहे हैं या खुद पूरे के साथ साथ कारवान में, और फिर गोशा महल में भी कुछ 250 पैकेट्स हम भेज रहे हैं तकसीम के लिए। शाहीन नगर का इलाक़ा काफ़ी गरीब व गुरबा रहते हैं, वहाँ पर भी हम पहले 250 दिए थे, अब 250-500 अनाज के पैकेट्स वहाँ पर भी भेज रहे हैं, और गोशा महल में भी रहमत साहब के ज़रिए सदर मजलिस के हिदायत पर हम वहाँ पर भी भेज रहे हैं, और यूपी बिहार झारखंड और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से जो लोग आए थे उन लोगों की मदद के लिए भी सदर मजलिस ने हिदायत दी। तो माजिद हुसैन साहब, मेयर साहब को हम 500 पैकेट्स इसके भी हवाले कर रहे हैं, और वो कोशिश करेंगे कि पहुंचकर इन ज़रूरतमंदों तक या अनाज के पैकेट्स को पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हर भूखे को अनाज पहुंचाया जाए, घर पर जाकर अनाज पहुंचाया जाए। और मैं ये बात ज़रूर ये भी कहना चाहूँगा कि ये मसला अमीर या गरीब का नहीं है, ये मसला भूखे आदमी तक इस अनाज को पहुंचाना है, और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह सुबहानहू ताला ने मुझे दौलत दी है, और इस ऐसे हालात में कि जब इस बीमारी के लपेट में कोई भी आ सकता है, अमीर भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है, नहीं मालूम अगर मैं भी अगर उसके लपेट में आ जाऊं तो अगर मैं कुछ दूंगा तो ये मेरा नेक अमल मेरे साथ मेरे खबर में मेरे साथ आएगा, और अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं शायद तन्हाई चला जाऊंगा। तो हर फर्द वाहिद को ये सोचना चाहिए, जो भी जिसके पास भी इस्तेआत है, अल्लाह की दौलत है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी दौलत को गुरबा में, गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, भूखों में तकसीम करे। और उसके साथ साथ मैं एक अपील उन लोगों से भी करना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि गरीब हैं, गरीब हैं साहब हमको दीजिए, सही हैं, गरीब हैं, गरीब को भी मिलना चाहिए, लेकिन गरीब या अमीर से सबसे पहले अगर किसी का हक़ है तो वो भूखे का हक़ है। अगर कोई गरीब है
और उसके घर में अनाज है, और फिर भी अनाज के इस पैकेट को हासिल करना चाहता है, तो मैं ये समझूंगा कि वो गरीब या वो अमीर जिसके पास अनाज रहने के बावजूद भी ये अनाज लेना चाहता है, वो एक भूखे का हक मार रहा है, और अल्लाह के सामने वो ज़रूर जवाबदेह होगा। मुझे ये भी कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में हमने 16,000 के करीब पैकेट्स को तकसीम किया, तो उन 16,000 पैकेट्स में करीब 1,000 लोग इस हल्के चंद्रायन गुट्टे के, जब हम पैकेट लेकर उनके घर पर पहुँचे तो घर वालों ने कहा कि अकबर साहब से बोल दीजिए कि हमारे पास अनाज है, हमको इन पैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी और ज़रूरतमंद को दीजिए। तो मैं ये समझूंगा कि वो शख्स जिसने इस अनाज के पैकेट को लेने से इनकार किया इस बिना पे कि उसके घर में अनाज है, तो अल्लाह मुझसे ज़्यादा उस शख्स को इसका अजर देगा। कि मैं अपील करूंगा कि जिनके पास हैं वो इसरार ना करें, जिनके पास नहीं है उन तक इसको पहुंचने दीजिए। और ये भी ज़रूर है कि इंसान बशर है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, बहुत से घर छूट जाते होंगे, शायद किसी घर में अनाज नहीं पहुंच रहा होगा, तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर छूट जाता है तो हमारे कॉरपोरेटर्स के इल्म में लाइए, मेरे इल्म में लाइए, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन भूखों तक हमारे अनाज के पैकेट को पहुँचाए, लेकिन हो सकता है कि कोई छूट जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कई ऐसे इज़्ज़तदार शरीफ लोग हैं जो मांग नहीं सकते, किसी के सामने रुजू नहीं हो सकते, अपनी इज्जत के खातिर अपनी भूख और अपनी तड़प को बयान नहीं कर सकते। तो मैं हमारे कारकुनों से अपील करूँगा कि उन लोगों का ख़ास ख्याल रखिए जो इज़्ज़तदार हैं, अपनी इज्जत के खातिर भूख में हैं लेकिन मांग नहीं सक रहे हैं, हमको उन तक भी पहुँच कर उनको भी देना है। बहुत से लोग होंगे जिनका ज़ाती घर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास अनाज है, ज़ाती घर रहने के बावजूद भी वो मोहताज हैं, भूखे हैं, हम तक अगर उनकी आवाज़ पहुंचेगी तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उन तक भी अनाज को पहुंचाने के लिए। बहरहाल ये एक हमारे आखिरत का सौदा है, अल्लाह को राज़ी करने का एक मौका है, जिसके ज़रिए हम अपनी आखिरत को सुधारने की फ़िक्र कर रहे हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहानहु ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे, आमीन, और हम सबको इस बीमारी से दूर रखे। और आखिर में मैं आवाम से बिलखुसूस सारे शहर हैदराबाद और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, घरों में रहेंगे, तो तभी हम इस बीमारी से बचेंगे। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और दुनिया थम चुकी है, दुनिया रुक चुकी है, और हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे दौर में हमको भी अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करना होगा और अपने आप को अपने घरों में महदूद रखना होगा। हो सकता है कि मैं ये सोचूं कि मुझे डर नहीं है मौत का, लेकिन ये सवाल मेरी अपनी ज़िंदगी का नहीं है। मैं अगर ये सोचूं कि मुझे डर नहीं है मौत का, तो ठीक है, मुझे मौत का डर नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे वो बीमारी मुतासिर करती है और मैं बाहर निकलूँगा, तो मैं कितने लोगों को, जितनों को मुतासिर करूँगा, उनकी मौत का ज़िम्मेदार मैं रहूँगा। तो इसलिए हमको इस ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपने आप को महफूज रखना होगा, अपने अफराद ख़ानदान को महफूज रखना होगा और घरों में रहना होगा। इसलिए हम लोगों को जमा कर अनाज नहीं दे रहे हैं, हमारे कारकुनों के ज़रिए उनके घर तक अनाज को पहुंचा रहे हैं। तो मैं आवाम से फिर से अपील करूंगा कि ये वक्त अल्लाह को राज़ी करने का वक्त है, इबादतों के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करिए, ये वक्त अपने गुनाहों से तौबा करने का है, तौबा करके अल्लाह को राज़ी करिए। अल्लाह जलाल में है, अल्लाह गुस्से में है, और अल्लाह इसलिए शायद गुस्से में है कि हमारे आमाल इतने ख़राब हो चुके थे कि अल्लाह का जलाल
ان بیماریوں کے شکل میں آ رہا ہے تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ اللہ کے جلال کے خاتمے کے لیے، اللہ کے غصے کے خاتمے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم سب مل کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے انسانیت پر جو آج یہ وائرس کے ذریعے جو متاثر ہو رہے ہیں، ان متاثرین کو بھی ہم دعا کریں کہ اللہ ان متاثرین کو جلد از جلد صحت یاب کریں۔ اور میں یہ بھی اپیل ضرور کروں گا کہ وہ جو ڈاکٹرز، وہ جو نرسنگ سٹاف، وہ دوسرے ہیلتھ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ساری دنیا میں اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آگے بڑھ کر ان متاثرین کی علاج کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ہم سب کو ان کے اس خدمات کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس بڑی قربانی کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہیلتھ سیکٹر کے لوگ جو کام کر رہے ہیں، ان کے بھی گھر ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، لیکن وہ ان سب کو چھوڑ کر بیماروں کی علاج کے لیے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ ہم کو ان کے لیے بھی نہ صرف دعا کرنا چاہیے بلکہ میں کہوں گا کہ تعاون کریں۔